हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जावा फोर्ट प्रोजेक्ट एंड माय नेम इज संदीप शर्मा। तो हमारी चल रही थी गेमिंग एंड ग्राफिक्स सीरीज, जिसका हम लेक्चर नंबर 23 देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मूव कार। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि आप कैसे ट्रैफिक लाइट को जनरेट करते हो, सेकंड बाय सेकंड शो कराते हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लें, वो मैंने आई बटन पर दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मूव कार, मतलब कार को कैसे मूव कराया जाएगा। तो जैसा कि आपको ये कार दिख रही है, इसको आज हम मूव करा के देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड बना हुआ है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मेरे प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। तो हम बात करेंगे आज कार को कैसे मूव करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले से दिखा देता हूँ आपको रन करा के कैसा दिखता है। तो देखेंगे कि आपको कुछ ये दिख रहा है, जैसे ये रहा स्टॉप, रेडी एंड गो, जो अभी आने वाला ये आ गया गो। तो जब गो हो तो हमारी कार रन होने लगे। तो देखते हैं इसे कैसे कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, रेफरेंस वेरिएबल एरे के, जैसे कार का एक्स को हमें मूव कराना, ना कि बाइक को, क्योंकि कार हमें मूव करानी है लेफ्ट साइड में। तो हम कार एक्स को मूव कराएंगे, पहली बात ये। और हम उसके व्हील्स को मूव कराएंगे, जो कि हमने लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्स में रखे हैं, और हमने जो डिज़ाइन बनाई है हम उनको मूव कराएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एक एरे में जो भी वैल्यूज रखी हैं उनको एक साथ कैसे मूव कराएं। तो ये हम आज देखने वाले हैं। तो हमारा पार्ट है गो। गो में क्या होगा, ये वाला जो टेम्प इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तब हमारा ये कोड चलना चाहिए। तो हम पहले से थोड़ा कट कर लेते हैं इसको, हम बाद में मतलब प्रिंट करा देंगे। तो हम बात करेंगे कि जो हमारी ये कार है, जो कि आपको दिख रही है, ये चलनी चाहिए। कैसे चलेगी, अब हम उसे वो देखते हैं। इधर की साइड चलेगी, लेफ्ट साइड में, तो चलाते हैं इसे। तो हमें पहले क्या करना होगा, बाइल कंडीशन बनानी होगी बाइल लूप की। तो हम एक बाइल लूप बना लेते हैं कि हमें कितनी देर तक चलानी होगी अपनी कार को। ठीक है, एक हम वेरिएबल स्पेसिफाई कर लेते हैं ऊपर शुरू में, हम यहाँ पे रख लेते हैं इंट, यहीं पे ले लेते हैं आई, और इसको हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0, यहाँ पे ही दे देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0। तो हमने ये वैल्यू इनिशलाइज कर दी है, जब भी एपलेट रन होगा तो ये वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई पास कर देंगे। कब तक चलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 20, 20 तक कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं 20 तक चले, फिर वो बाहर आ जाए लूप से। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, फिर क्या हो, जैसे ही ये लूप से बाहर आ जाए तो आई रिफ्रेश हो जाना चाहिए, मतलब आई इक्वल 0 हो जाना चाहिए। तो हमने इतना कर दिया। तो अब हम यहाँ पे बेसिक कोड करने वाले हैं। तो पहले क्या है, हम कार को मूव कराएंगे। तो कार के ये हमने देखे हैं पॉइंट्स, कार एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें पॉइंट्स पास करें हैं, पर हम एरे आप जानते हैं तो 0 से लेकर 7 तक चलेगा, ना कि 8 तक। तो हम 0 से लेकर 7 तक इसे मूव कराते हैं, देखेंगे आप। तो कार का जो एक्स है 0 इक्वल टू कार एक्स 0 माइनस 20। ठीक, ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लेते हैं, 7 पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पे पास कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम यहाँ पे भी पास कर देंगे 7 6 5 4 3 2 1 1। तो हमने ये करा दिया। अब यहाँ पे हमें ये कराना होगा कि रीपेंट करा देते हैं, जिससे कि रीपेंट हो जाए, और थ्रेड डॉट स्लिप करा देते हैं, जिससे कि थ्रेड मतलब एक एक सेकंड बाद उसे कॉल करें। थ्रेड डॉट स्लिप करा देते हैं हम, इसमें हम पास कर देते हैं, मान लीजिए 1000, एक एक सेकंड बाद नहीं कराते हम, आधी आधी सेकंड में कराते हैं, मिली सेकंड पास करनी है हमने इसमें। तो देखेंगे अभी आप इसमें प्रॉब्लम जनरेट होगी, देखेंगे आप। तो
अभी 4 सेकंड वेट करेगा, ये रेडी, अब 4 सेकंड वेट करेगा, को देखेंगे अभी ये जो कार का ऊपरला पार्ट है वो मूव हो रहा है ना, कि अभी जो भी व्हील्स हैं वो डिजाइन है वो मूव नहीं हो रही है, तो उनको हम कैसे मूव कराते हैं वो देखते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके कार हैं, कार के जो हमने व्हील्स बनाए थे, ये रहे लेफ्ट एक्स एक्सिस एंड राइट एक्स एक्सिस, तो हम इनको भी मूव कराते हैं। तो पहले लेफ्ट एक्स इजक्ल टू लेफ्ट एक्स -20, ऐसे ही हम राइट के करा लेते हैं, कॉपी किया मैंने से, राइट सॉरी राइट का एक्स एक्सिस, राइट राइट। तो अब ये क्या होगा, आप बिल भी चलेंगे, पर अब हमें क्या करना होगा, डिज़ाइन जो है हमने डिज़ाइन दी है ना, ये लेफ्ट डिज़ाइन और राइट डिज़ाइन, इनको भी हम मूव करा लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ पे नीचे जाकर इसके एरे को मूव कराऊंगा, तो देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। तो 0, उसमें हमने कितने पॉइंट्स पास किए हैं ये हम देख लेते हैं, -20, तो हमने कितने पॉइंट पास किए हैं अभी हम गिनते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पास किए हैं, तो 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही इसमें और 9 ही राइट की डिज़ाइन में है, तो हम यहाँ पे पास कर लेते हैं 9 तक। तो इन इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ये पास कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम ऐसे ही यहाँ पे पास कर देंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हमने पास कर लिए हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो राइट एक्स एक्सिस है उसको भी राइट डिजाइन का जो एरे है इसे भी पास कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही इसमें, तो चलिए हम इसी को यहाँ पे बनाते हैं। तो 0 = 0 -20, ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही हम इसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ये कर लिया। आप देखेंगे कि ये परफेक्टली चल रहा होगा, देख सकेंगे आप, ये 4 4 सेकंड का वेट कर रहा है, 4 सेकंड का। अब देखेंगे ये कि आपकी कार प्रॉपर वे से देखिए मूव हो रही है, एक साथ मूव हो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये 4 सेकंड तक रुका है, अभी ये 4 सेकंड बाद फिर से ऊपर चला जाएगा, देख सकते हैं स्टॉप हो गई है, अब ये रेडी होगी, अभी ये गो हो जाएगी, मतलब चलने लगेगी। तो देख सकते हैं हमने एक कार का जो भी हमने गेम था वो कंप्लीट कर ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आवाज़ भी बनाने वाले हैं, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कार यहाँ पे दुपक गई है, तो हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है वो अभी हम देखते हैं। पेंट जो मेथड है कौन सा है, कार जो है कहाँ है कार हमारी, कार का हमने बनाया था कार एक्स एक्सिस एंड ये कार एक्स एक्सिस एंड कार वाई एक्सिस, तो हमने पास किए यहाँ पे, तो हमें इसे क्या करना होगा कि इसे ऊपर ना पास करके हमें इसके जो भी हमने वो बनाए हैं, जो भी हमने ट्रैफिक लाइट के थम बनाए हैं खम्बे, उनके बाद में पास करना होगा, ये रोड है हमारा, और देखते हैं कहाँ है हमारे, जैसे कि हमने ये बनाए हैं लेफ्ट राइट ट्रैफिक फूट, ये रहा ब्लैक जो हमने बनाया था,
तो अभी हम इसे यहीं पे पेस्ट करते हैं कार को, क्योंकि कलर ओवरराइड हो रहे हैं, इसलिए कलर ओवरराइड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर पेस्ट कर लेते हैं इन दोनों को, ट्रैफिक का हेड और उसका फुट। तो हम इसको क्या करते हैं, कार से ऊपर पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कलर ओवरराइड हो रहे हैं, मतलब वो ओवरराइड हो रहा है। सॉरी ये क्या हो गया है, रुकिए 1 मिनट, आ चुका है हमारा ये। तो हमने ये यहाँ पे ऊपर कर दिए हैं कार से, अब देखेंगे कि हमारा क्या चल रहा है, देखेंगे। और रेडी एंड गो। थोड़ा मैं इसकी स्पीड फास्ट कर देता हूँ, आप थ्रेड डॉट स्लिप जो आपने लगाया है उसको 4 की जगह मैं बंद कर देता हूँ, 1 सेकंड बाद कॉलू 1 1 1 एंड यहाँ पे भी, यहाँ तो ठीक है 500। अब देखेंगे 1 सेकंड बाद चल रहा है, देखेंगे 20 हुआ, ये 20 तक मूव करेगा जैसे ही हम आई 19 तक चलेगा, लेस देन किया है इसलिए। तो आप देखेंगे, अब कलर देखते हैं हम ओवरराइड होता है या नहीं, ये देखने के लिए हमने ये जल्दी चलाया है। तो देख सकते हैं आप, देखिए अब बिल्कुल कार का जो बैकग्राउंड है वो अब सही चल रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ आवाज़ भी लगाएंगे, जैसे ही कार रेडी हो तो आवाज़ करने लग जाए और चले तो आवाज़ करने लग जाए, जैसे कि अभी ये यहाँ पे आवाज़ नहीं कर रही है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसमें आवाज़ कैसे क्रिएट करेंगे, साउंड कैसे क्रिएट होगा। तो आई होप अगर आपने ये कोड लिख लिया है तो ठीक है, वरना स्क्रीन को पॉज करके आप ये कोड पूरा का पूरा उतार सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो आज हमने देख लिया कि कार को कैसे हम रिमूव कराते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले गेम्स की नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।